जो मेडल लाएगा उसको हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। मेडल लाओ नौकरी। आप समझ सकते हैं जो नौकरियां मिल रही हैं वो रैंक जो है उसमें DSP तक लोग जा सकते हैं। BDO लेवल जो अधिकारी होते हैं उस लेवल पे लोगों को नौकरी मिलेगी, इंस्पेक्टर लेवल पे मिलेगी, सब इंस्पेक्टर लेवल पे मिलेगी, तो इसकी शुरुआत हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है पटना के अधिवेशन भवन में, जहां पर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शिरकत कर रहे हैं और तमाम जितने युवा प्रतिभागी हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज बड़ी बात कही है कि जो लोग मेडल लेके आते हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलेंगे, जो बिहार का नाम गौरवान्वित करेंगे, उन्हें सीधा सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी मिलेगी। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है और आने वाले समय में उन्हें काफ़ी मान सम्मान मिलेगा। DSP लेवल की नौकरी होगी, इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी होगी। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे थे अपने अभिभाषण में संबोधित करते हुए, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है राज्य युवा महोत्सव की, जरा सुनिए। कि जो बच्चे बिहार के खास तौर पे काफ़ी टैलेंटेड हैं, एक मौका उन लोगों को मिलना चाहिए, जो कि हमारी सरकार जो है भरपूर कोशिश करेगी कि इस चीज़ को और हम लोग जो है कला संस्कृति को और हम लोग बढ़ाने का काम करें। नेशनल लेवल पे ही नहीं बल्कि अभी हरजोत कौर जी से बात हो रही थी, इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जा करके परफॉर्मेंस अगर इन लोगों को कराया जाए, एक अपॉर्चुनिटी मिले तो काफ़ी अच्छा होगा। और शास्त्रीय संगीत हो गया, फोक म्यूज़िक हो गया, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चरल जो रहा है ख़ासतौर पे बिहार का काफ़ी रिच रहा है। भोजपुरी के शेक्सपियर्स हमारे छपरा जिला से आदर भिखारी ठाकुर जी, हम लोग तो पिताजी काफ़ी उनकी गीत को सुना करते थे तो हम लोग जानते रहे, और जब वो मुख्यमंत्री रहे थे तो लगातार CM आवास पे भी लगातार कार्यक्रम जो है फोक म्यूज़िक का ये सब किया जाता रहा। रेल मंत्री बने तो भी रेलवे में काफ़ी लोगों को नौकरी भी मिली, प्रमोशन भी मिला काफ़ी कलाकारों को, और अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को दिया जाता रहा। तो हमको लगता है कि इस चीज़ को हम लोगों को बचा करके रखने की ज़रूरत है, और ये आगे और हम सभी लोगों को कैसे लेकर के जाए, इसके लिए हम लोग जो है सरकार जो है प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को बनाने की ज़रूरत है। कल संस्कृति तो बहुत ज़रूरी है आज के दिनों में, साथ ही साथ खेल कूद को भी लेकर के बिहार में माहौल जो है अच्छा रहे, ताकि जो हमारे युवा हैं जो जुड़े हुए रहते हैं इन सारी चीज़ों से, उनको जो है हर जगह मौका मिले। तो इस दिशा में हमारी सरकार जो है, आप सब लोगों को पता है कि पिछले बार ही जो है हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है हम लोगों ने लाने का काम किया था, और जो खिलाड़ी जो अच्छा खेलते हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेडल लाते हैं, ज़रूरी है उनके लिए कि हम लोग सरकार उनको आर्थिक मदद भी, आर्थिक न्याय हम लोग करने का काम करें। जो महंगाई का ज़माना है आप सब जानते हैं, कलाकार हैं, इंस्ट्रूमेंट इतना महंगा हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स इतने महंगे हो गए हैं, तो ख़ास तौर पे जब कोई खेलता है तो एक सम्मान के नज़रिए से हम लोगों ने इस पॉलिसी में डाला था कि जो मेडल लाएगा उसको हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। मेडल लाओ नौकरी। तो इसमें लगभग जो है एक सम्मान के नज़रिए से हम लोगों ने देखा, और लगभग 81 लोगों को इसमें चयनित किया गया है। जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के उन सभी लोगों को हम लोग जो है नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर हम लोग देने का काम करेंगे। और आप समझ सकते हैं जो नौकरियां मिल रही हैं वो रैंक जो है उसमें DSP तक लोग जा सकते हैं पुलिस में, और अभी जो है जो चयनित किए गए हैं लगभग BDO लेवल पे, जो BDO लेवल जो अधिकारी होते हैं उस लेवल पे लोगों को नौकरी मिलेगी, इंस्पेक्टर लेवल पे मिलेगी, सब इंस्पेक्टर लेवल पे मिलेगी, तो इसकी शुरुआत हो गई है। 1 साल के अंतर्गत ही इसकी शुरुआत हो गई है, और जल्दी ही हम लोग जो है बातचीत चल रही थी डिपार्टमेंट के लोगों से, मंत्री जी से, ACS मैडम से, तो जल्दी हम लोग जो हैं अभी फिल्म जो पॉलिसी जो है वो भी हम लोग लाने का काम करेंगे, ताकि हम लोग भी चाहते हैं कि देश भर से
शूटिंग जो है बिहार में भी हो, यहाँ भी सारी चीज़ें चलें, यहाँ की भी एक पॉलिसी हो, यहाँ भी स्टूडियो हो, तो एक ऐसा माहौल हम लोग क्रिएट करें ताकि आप लोगों को भी काम करने का मौका मिले उसमें, और सारी चीज़ें होंगी उसके बाद एक बार माहौल बनता है तो इस चीज़ों पर हम लोगों का ध्यान है। अब इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, कल परसों ही सुधीर मिश्रा जो हैं बड़े नामी डायरेक्टर कलाकार रहे हैं, वही आए हैं, वो सीरीज़ कर रहे हैं सुनील लिव के लिए, तो वो चाहते थे कि शूटिंग जो है, क्योंकि उनकी जो स्टोरी है 1977 के स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर के थी, और आप जान रहे हैं उस समय जेपी मूवमेंट चला था जिसमें हमारे पिता खुद पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे थे, तो उस विषय पे सारी चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड शूटिंग होगी, लेकिन वो चाहते थे कि बॉम्बे में ना करके वो बिहार में जो है वो शूटिंग करें, तो वो साइट लोकेशंस वगैरह देखने आए थे, तो उस हिसाब से सरकार जो है उनको भी कहा कि भाई एकदम आइए, वेलकम है, आपको जो मदद चाहिए होगी वो सरकार जो है देने का काम करेगी। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारी सरकार जो है काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बिहार जो है नंबर वन है, GDP में जो नंबर तीन टॉप राज्यों में बिहार जो है अब गिना जा रहा है, GDP जो है वो हमारा लगभग जो है सेकंड दूसरे तीसरे स्थान पे हम लोग हैं, तो काम जो है हम लोगों की सरकार कर रही है, और ख़ास तौर पे बिहार जो है देश का सबसे युवा प्रदेश है, लगभग 60% जो है यहाँ युवा हमारे राज्य में है, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिले, ख़ास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे से हम लोग जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग देने का काम करें। अब तो कई मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए कहीं टीचरों की कमी ना रहे, उसके लिए देश में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ 1,22,000 लोगों को जो है सरकारी नौकरी शिक्षक के रूप में हम लोगों ने बनाने का काम किया है, और सब लोग उसके बाद 1,22,000 तो लोगों को एक साथ जॉइनिंग लेटर तो दिया ही गया, लेकिन दूसरे फेज़ में भी लगभग जो है हम लोगों ने 1,25,000 के आसपास जो है बहाली निकाली है, ताकि कोई भी गांव में जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ भी टीचर्स जो है अच्छी संख्या में रहे, और BPSC द्वारा जो है परीक्षा लिया गया, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा आपने सुना है, देखना यह है कि राज्य में अब खेल को बढ़ावा देने के लिए, कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं, पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन बातों को रखा है, देखना होगा आने वाले समय में कितने हद तक बिहार के खिलाड़ियों को और प्रमोट करती है सरकार, कितना उन पर निवेश करती है, कितना उन पर पैसा खर्च करती है, ताकि बिहार का भी नाम गौरवान्वित हो, जब बिहार के बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचेंगे तो एक अलग मान सम्मान और गौरव गाथा बिहार की ओर बढ़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।